हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुंडू है। मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस डेंटिस्ट्री पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू मेंटेन योर ओरल एंड डेंटल हाइजीन एट होम। ओरल और डेंटल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो हम बहुत सी डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जैसे दांतों में कैविटी होना या फिर मसूड़े से खून आना या मसूड़े में फ्लावट आना, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप घर बैठे ही अपने ओरल और डेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहली जो टिप है, हमें ब्रश करना है दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, ताकि जो भी फंसा हुआ खाना है या कुछ भी डिपॉजिट हो रखा है, जैसे कि प्लाक बहुत ही जल्दी डिपॉजिट हो जाता है हमारे दांतों के ऊपर, वो वहाँ से हट सके। दूसरी जो टिप है कि हमें ब्रश प्रॉपरली करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सिर्फ 1 मिनट ब्रश कर लिया या फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर से ब्रश कर लिया। हमें इनसाइड और आउटसाइड टूथ के अच्छे से क्लीन करना है और एटलीस्ट हमें 2 मिनट तक ब्रश जरूर करना है। तीसरी जो टिप है कि यूज़ राइट टूथब्रश। बेसिकली बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि हम अगर हार्ड टूथब्रश यूज करेंगे तो हमारी क्लीनिंग अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। हमें जो ब्रश टूथब्रश जो यूज़ करना है वो आइदर सॉफ्ट यूज़ करना है या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट और बहुत ही जेंटल वे से, ताकि हमारा दांत के ऊपर कम से कम एब्रेजन हो। चौथी जो टिप है हमारी वो है टंग क्लीनर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि ऐसा लगता है कि हमें दांत ही क्लीन करने चाहिए, बट हमें टंग भी जरूर क्लीन करनी चाहिए, बिकॉज प्लाक वहाँ पर भी डिपॉजिट होता है, जो कि बेसिकली अगर वहाँ पर डिपॉजिट होता है, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं टंग को क्लीन करना, तो वहाँ से हमारे बहुत ही गंदी बदबू आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो टंग क्लीन जरूर करनी है आपको दिन में 1 या 2 बार। पांचवी टिप है कि हमें फ्लॉस यूज़ करना है। फ्लॉस बेसिकली हम दांतों के बीच में जो भी खाना फंसता है उसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ से खाना निकल सके, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कारण बन जाता है हमारे टूथ में कैविटी होने का, तो हमें फ्लॉस जरूर यूज़ करना है। छठी जो लास्ट टिप है वो है माउथ वॉशिज। माउथ वॉश हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो मार्केट में माउथ वॉश है, आइदर आप डेली यूज़ के लिए होते हैं या फिर हफ्ते में 2 बार यूज़ के लिए होते हैं, और कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है अगर आप रेगुलरली माउथ वॉश को यूज़ करते हो तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारे माउथ में, वो उसके लोड को वो रिड्यूस कर देता है। तो माउथ वॉश यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे अपनी ओरल और डेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं एट होम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।